हम जो है अपना लास्ट टाइम जो है हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट द एंथैल्पीज जो कि डिफरेंट आपकी बुक्स में दी हुई है। तो उसमें हमने तीन एंथैल्पीज जो सी हैं वो स्टडी कर ली थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दीज वर द थ्री एंथैल्पीज जो कि हम प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। अब जो आज स्टडी करने जा रहे हैं इससे आगे फर्दर एंथैल्पीज जो हमने स्टडी करनी है, नंबर फोर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी कि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बट वी हैव टू गेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है। आपको पता है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाटर है। होता क्या है बेसिकली, जब भी आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं HCl एंड NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करते हैं, जब HCl अपना एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो इट विल बी स्प्लिट अप इनटू इट्स आइंस, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली NaOH जो है आपके पास बेस, ये जब जाएगी वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाएगी अपना, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी स्प्लिट अप हो जाएगी सोडियम प्लस हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर एंड दीज आर इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये वाटर के अंदर सॉल्यूशन की शक्ल में मौजूद है। अब होता क्या है कि जब ये चारों आयन जोन से हैं सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं तो ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं, जबकि ये दोनों जोन से हैं ये फ्री ही रहते हैं, ये सॉल्ट नहीं बनाते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें अब जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये चार आयन हमारे पास आए, तो जो मैं फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ दैट इज एच पॉजिटिव ऑफ एक्वस फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Cl नेगेटिव फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na पॉजिटिव जो कि NaOH से आया एक्वस फॉर्म में प्लस OH नेगेटिव जो कि एक्वस फॉर्म में है और हमारे पास NaOH से आया है। ये चारों आयन अब एक्वस फॉर्म में जब मौजूद होंगे तो इनमें से H और OH जो हैं वो मिलके लिक्विड फॉर्म में आपके पास वाटर बना देंगे, जबकि रिमेनिंग आयंस जो कि Na पॉजिटिव है ये एक्वस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, सिमिलरली Cl नेगेटिव। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलके वाटर बनाते हैं, तो अगर मैं सिर्फ इन्हीं का रिएक्शन लिखूं तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और ये मिलके बना देंगे H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है डेल्टा H जो कि -57.4 किलो जाउल पर मोल है, यही डेल्टा H जो है इज द कॉल्ड एज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इसके कौन से कंपोनेंट से, फ्रॉम इट्स आयोनिक कंपोनेंट्स। ये बात यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको खाली कंपोनेंट्स लिखते हैं तो जो ये इक्वेशन होती है
ये अमल में आ जाएगी। ये कंपोनेंट्स हैं जो मिलके वाटर बना रहे हैं, और इनकी डेल्टा एच कुछ और होती है, -285 होती है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। लिहाजा उसके आयोनिक कंपोनेंट्स, तो वाटर के आयोनिक कंपोनेंट्स ये दो हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो कि आपकी बुक में गिवन है, और अब हमें डेफिनेशन बड़ी आसानी से समझ आएगी। द डेफिनेशन ऑफ हीट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो ये है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट इनटू स्मॉल एन, एन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। वो कहता है जी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड। अब ये हमेशा न्यूट्रलाइजेशन के केस में एनर्जी निकलती ही है, तो हम उसको इवॉल्व ही लिखेंगे, इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं लिख सकते, क्योंकि होती ही एनर्जी जो है वो इवॉल्व है। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स ने रट्टा लगाया होता है, तो वो हर डेफिनेशन में इवॉल्व और एब्जॉर्ब लिख देते हैं, और उसकी वजह से, कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से, उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर कि न्यूट्रलाइजेशन है तो इवॉल्व ही होगी। अगर आप एब्जॉर्ब लिख देते हैं तो टेक्निकली आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, एंड यू माइट नॉट गेट द इक्वल मार्क्स। जबकि आप ये समझते हैं कि आपने डेफिनेशन तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन वो डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट छुपा होता है जो कि आपके रट्टे की नज़र हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस एच पॉजिटिव फ्रॉम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आपके पास एच पॉजिटिव आता है, और ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जो कि है ओ एच नेगेटिव। एच पॉजिटिव आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये जब रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि कहाँ से आया, फ्रॉम बेस, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। तो जब भी एच पॉजिटिव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ओ एच नेगेटिव फ्रॉम अ बेस, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, तो जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, जो हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज़ दी एंथैल्पी ऑफ दी न्यूट्रलाइजेशन। और ये होती है एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव इन दी एक्वस फॉर्म फॉर्म्स H2O लिक्विड फॉर्म, और ये डेल्टा एच होती है -57.4। और यही वजह है कि अक्सर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की जो डेल्टा एच एन है वो इसके करीब करीब या इसके बराबर ही होती है, क्योंकि हर केस में वाटर ही बनना है और उसकी जो डेल्टा एच है वो फिक्स होती है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सेम फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके माइंड्स में न्यूट्रलाइजेशन का क्लियर होना चाहिए। गोइंग टू द फिफ्थ एंथैल्पी जो कि हमने स्टडी करनी है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन जो है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक चीज़ को बर्न करते हैं हीट लेने के लिए, आप कोयला को जलाते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है, जो कि आप अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, कि आप उसमें से कुकिंग कर सकते हैं, आप उसको वैसे अपने आप को वार्म करने के लिए कोयले की अंगीठी में हाथ सेक सकते हैं, जो कुछ भी है। तो कोयला जो है वो जब जलेगा तो इट विल प्रोड्यूस एनर्जी, तो प्रोसेस इज़ द कम्बशन। तो जब भी एनर्जी निकल रही है, इसमें भी क्या होगा कि हीट एनर्जी इवॉल्व। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज़ द, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड। इस केस में भी ये सिर्फ इवॉल्व हो रही है, क्योंकि कम्बशन में सिर्फ एनर्जी निकलती है। व्हेन, अब कम्बशन की डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्नड, उसको क्या करेंगे हम, जला देंगे, कम्प्लीटली बर्नड इन
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस वाला जो पार्ट है, ये आपने तमाम की तमाम अपनी जो हैं डेफिनेशंस उनमें ऐड कर लेना है कि जितना भी काम है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वाली बात को भी देख लें। कम्बस्शन इज़ अ प्रोसेस, किसी भी चीज़ को आपने जलाना है, यू नीड थ्री थिंग्स। नंबर वन इज़ द फ्यूल, जो कि आपका सब्सटेंस है जिसको आप जला रहे हैं। अगर आपके पास लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो आप किसको जलाएंगे? तो यू नीड टू हैव अ फ्यूल, नंबर वन। नंबर टू इज़ हीट, शुरू में आपको आग लगानी पड़ेगी, उसे शोला देना पड़ेगा, माचिस, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऑक्सीजन, अगर आपकी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो कभी भी आग नहीं लगेगी, कभी भी कोई चीज़ कम्बस्ट या बर्न नहीं होगी। हाँ, आप लिमिटेड ऑक्सीजन दे सकते हैं या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट द कम्बस्शन रिक्वायर एनर्जी। अगर एक जल रही है कैंडल और आप इसके ऊपर ग्लास उल्टा करके रख दें तो ये चंद सेकंड बाद बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी उसको ये कंज्यूम कर लेगी और कुछ देर जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी इट विल शट डाउन, लिट इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब भी कोई सब्सटेंस का एक मोल हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो जो हीट इवॉल्व होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा एच नॉट और सबस्क्रिप्ट में छोटा सी, हीट ऑफ कम्बस्शन। तो अब आपकी बुक में एग्जांपल देता है एथानॉल के। एथानॉल इज़ C2H5OH, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये जब बर्न होगा तो इसका रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है, एथानॉल इज़ C2H5OH इंटू लिक्विड फॉर्म प्लस 3O2 इन द गैस फॉर्म। एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जलेगा। और जब भी आप याद रखें ये कॉन्सेप्ट भी कि जब भी कार्बन से रिलेटेड चीज़ हम बर्न करेंगे तो दो चीज़ें बननी ज़रूरी हैं हमेशा, उसकी प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी बनेंगे। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बस्शन। तो इस केस में भी आपके पास 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बन रहे हैं, ये लिक्विड और ये गैस। और इससे जो एनर्जी निकल रही है दैट इज़ वेरी हाई, जो कि कम्बस्शन एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन है, -1368 किलो जाउल पर मोल। तो ये है जी आपके पास एथेनॉल की कम्बस्शन एंथैल्पी। इसी तरह अगर आपका फ्यूल चेंज हो जाए, कार्बन को मैं जलाऊं तो उसकी डेल्टा एच सी और होगी, मैं किसी और चीज़ को जलाऊं तो उसकी डेल्टा एच सी डिफरेंट होगी। तो दिस इज़ दी एंथैल्पी ऑफ दी कम्बस्शन। अब हम चलते हैं लास्ट अपनी एंथैल्पी के ऊपर, विच इज़ दी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एंथैल्पी के एक सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसमें एनर्जी जो सी है वो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब अगर आपको सॉल्यूशन की थोड़ी सी डिटेल पता है तो उसके अंदर आप इस बात को जान सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो बनाते वक्त एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी जो है वो दे भी सकता है। तो इस केस में आप लिखेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज़ द हीट एनर्जी जो कि क्या हो रही है, इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, कि वो इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब्ड हो रही हो। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो हो उसको हम डिजोल्व करें इन सो मच सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो, इन सो मच सॉल्वेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन
नो डिटेक्टेबल हीट चेंज, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट नाउ। वो कहता है जी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन आर टू टाइप्स, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 100 ml वाटर था, 100 ml वाटर, इसके अंदर मैंने 100 ml, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम जो है अपना सोल्यूट डिसॉल्व करवाया। फिर मैंने एक और केस लिया, उसमें भी मेरे पास 100 ml वाटर है, लेकिन मैंने अब उसके अंदर 50 ग्राम अपना सोल्यूट डिसॉल्व करवाया। तो जिसमें 50 ग्राम होगा वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, और जिसमें 10 ग्राम होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। और अगर इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को मैंने डाइल्यूट करना है तो मैं इसके अंदर वाटर और ऐड करूँगा, ताकि वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाए और इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, और ये कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए। यहाँ पे वो यही बात कह रहा है, वो कह रहा है जी इट इज़ द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हम डिजोल्व करें इतने सोलवेंट के अंदर, सो मच सोलवेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन, के अगर उसके अंदर मजीद सोलवेंट ऐड कर भी दें, उसको मजीद डाइल्यूट करें, तो उसके डाइल्यूट करने से हीट चेंज जो सा है वो डिटेक्टेबल ना हो, कोई ख़ास क्वांटिटी ऑफ हीट चेंज ना आए। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट इंटू SOL, SOL फॉर सोल्यूशन। अब वो डिफरेंट एग्जांपल दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl होता है, इसको अगर हम डिसॉल्व करें तो इसकी डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो होती है +16.2 किलो जाउल पर मोल। मतलब क्या है, वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसको डिसॉल्व होने के लिए। और ये इंडिकेट कैसे होगा कि अगर इसके अंदर आपने NH4Cl डाला है पानी के अंदर, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर विल कूल डाउन, आपको ठंडा महसूस होगा पानी, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पानी से एनर्जी लेगा और फिर उसके अंदर डिसॉल्व होगा। सिमिलरली जो है आपके पास सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे Na2CO3 का, तो ये जो है हीट एनर्जी को रिलीज़ करता है, ये -25 किलो जाउल पर मोल एनर्जी निकालेगा डिसॉल्व होते वक्त। तो अगर इस वक्त आपने सॉल्यूशन के अंदर ये डाला है Na2CO3, तो वाटर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, आपको उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये सोल्यूशन एक्सोथर्मिक बन रहा है एंड दिस इज एंडोथर्मिक। इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, या वो एब्जॉर्ब हो रही है या वो इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ तक जो चीज़ हम अभी अपने इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब एंथैल्पी से रिलेटेड हमारा एक पोर्शन रह गया है, वो है एंथैल्पी मेजरमेंट, कि इंथाल्पी को हमने मैयर कैसे करना है, इंथाल्पी की मैयरमेंट जो है वो क्यों कर और कैसे पॉसिबल होगी। ये जो हमने लिखा जी, हम रिएक्शन लिख के आगे लिखते थे जी, इसकी इंथाल्पी है 25, -25 किलो जाउल अभी हमने बात की, तो हमें कैसे पता चला कि इसकी 25 है। उसके लिए दो मेथड्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टडी करेंगे इंथाल्पी मैयरमेंट के, विच आर क्लोरीमीटर्स। और दो डिफरेंट तरह के क्लोरीमीटर्स होते हैं, ग्लास क्लोरीमीटर एंड बॉम कैलोरीमीटर, जो कि हमारे अगले दो टॉपिक्स होंगे, और उसके बाद एंथैल्पी का पोर्शन इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट और हर चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम इसको मेजर करने के तरीके जो है वो स्टडी करेंगे।